कितना इसका प्राइस होगा? 120। सबसे पहले चलिए आपको दिखाते हैं कि लोग आते हैं मेला में तो यहाँ रहने की क्या व्यवस्था है, सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। यहाँ पे लोग रह सकते हैं, रात भर आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है लोग देख सकते हैं। ये जो बना हुआ है यात्री आश्रय स्थल, जिसमें यात्री आते हैं मेला देखने के लिए, वो इसमें रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। और इसमें रेस्ट करने से पहले आपको यहाँ पर आधार कार्ड अपना जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑफिस बना हुआ है और आधार कार्ड जमा करने के बाद आपको इसके अंदर आके रह सकते हैं। और चलिए अंदर में आपको दिखाते हैं क्या व्यवस्था अंदर का। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बेड लगा हुआ है और यहाँ पे कूलर है ठंडा ठंडा हवा खाने के लिए, और फैन वगैरह सब कुछ है देख सकते हैं। और इतने सारे लोग देखिए सब रेस्ट कर रहे हैं। वैसे मैंने पता किया तो आज यहाँ का जो कि सीट था वो पूरा फुल हो चुका है। तो यहाँ एक बार अगर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं तो 30 रुपया लगेगा, क्योंकि अच्छा खासा व्यवस्था है भाई पैसा कमाने का। बहुत जोर का भूख लगा हुआ था हम लोगों को, तो अभी आ चुके हैं होटल में छोले भटूरा खाने के लिए। ये छोला देख सकते हैं भाई, क्वालिटी इसके अंदर है ही नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। भटूरा खा के आ चुके हैं उद्यमी खादी मेला, जो कि खाद का यहाँ पे मतलब खादी मेला मतलब कपड़ा वगैरह से रिलेटेड सब सामान इसके अंदर मिलता है। वैसे चलिए अंदर चलते हैं और आपको एक्सप्लोर कराते हैं। खादी मेला यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे बिस्कुट वगैरह है, उड़द पापड़ 200 ग्राम, प्राइस है इसका 76 रुपया। और यहाँ पे खादी का सब सामान सब मिल रहा है, देखिए ये सब खाद का कपड़ा है, खादी का है, का जैसा कि बता रहे हैं 800 रुपये का ही है। इतना भी देख रहे हैं आप लोग, सब खादी का ही है। और यहाँ पे कूलर लगा हुआ है बड़ा बड़ा देख सकते हैं, कूलर है ताकि आपको गर्मी ना लगे। और सब खादी मेला ही, खादी का ही सामान है। और यहाँ पे है महात्मा गांधी जी का चक्री बना हुआ देखिए, और ये गांधी जी का चरखा है देख सकते हैं, कितना बड़ा एंट्रेंस बना हुआ है हॉल का। और इसमें सब कपड़ा का ही दुकान है। और यहाँ पे मिल रहा है मशरूम का बिस्कुट, और जैसा कि हम लोग मशरूम का बिस्कुट पहली बार सुने हैं, और इसका प्राइस 50 रुपया है, कितना है? 50 रुपये का है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये साबुदाना पापड़ है, और इसको बनाएगा कैसे, छान के साबुदाना का पापड़ देख सकते हैं आप लोग कितना। स्पेशल घी वाला लिट्टी चोखा मिल रहा है, लेकिन लिट्टी चोखा हम लोग खाना नहीं, क्योंकि हम लोग खाना खा चुके हैं। जैसा कि यहाँ पे कवर पे लगाया जाता है फोटो, और कप पे लगाने का कितना लेते हैं भैया? कप पे लगाने का कितना लेते हैं? 200 रुपया। और इसमें कितना देर में लगा देते हैं? इसमें भी 10 मिनट में कर देते हैं, 10 मिनट में आप लोग लगवा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मानवता एवं शांति का संदेश, और यहाँ पे लोगों को फ्री में वीडियो दिखाया जाता है ना? हाँ जी जी सुन सकते हैं। और यहाँ पे लोगों के लिए एक सेवा चल रहा है, स्वयं की आवाज़ सुनाया जाता है, जो कि प्रेम रावत जी हैं उनके द्वारा ये बुक लिखा हुआ है, और इसी का यहाँ पे प्रचार प्रसार हो रहा है। जैसा कि मन की आवाज़ सुनने के बाद हम लोग आ चुके हैं एक नर्सरी, जो कि बहुत सारा पेड़ पौधा मिल रहा है। जाए आपको चलिए दिखाते हैं, इतने सारे पेड़ हैं, बैर का है, और ये बनारसी नींबू है ना, और ये कपूर का है, और ये सिंदूर का पौधा है। भाई कितना सारा पौधा है देख सकते हैं आप लोग, कढ़ी पत्ता, मीठा नीम, मीठा नीम है ना, ये मीठा नीम है। और ये देख सकते हैं धूप भूमाद, ये धूप भूमाद का पौधा है, और इसमें नींबू पड़ा हुआ भी देखिए, नींबू बनारसी नींबू है ये, और उस प्रकार का देख सकते हैं उस तरह का काफ़ी सारा वृक्ष यहाँ पे मिल रहा है। और जैसा कि हम लोग मेला से तो बाहर आ ही चुके हैं दोस्तों, यहाँ के जो मेला का झूला वगैरह है वो सबका प्राइस इतना हाई है ना, उसके मतलब
ब्रेक डांस वगैरह का भी 100-100 रुपया है, बहुत ही कुआ का 100-150 रुपया, इतना महंगा कौन होता है यार। बना हुआ है मंदिर के टाइप का और अंदर में पता नहीं क्या है, चलिए अंदर चल के देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर है मेला लगा हुआ चप्पल जूतों का, और आगे चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मिला है चूड़ी आयरिंग वगैरह यही सब लेडीज़ का सामान सब मिला है देख सकते हैं, और कुछ इसी प्रकार का यहाँ पर मार्केट बना हुआ है। ये देखिए ये खिलौना वगैरह बच्चों के लिए खिलौना है, यहाँ पे साड़ी वगैरह है और यहाँ पे भी वही सब है बर्तन वगैरह देख सकते हैं। कितना का है ये भैया? कितना? 1100 मांग रहे। 1100 ना, यहाँ पे देख सकते हैं 1100 का है, बढ़िया बनाया है भीमराव अम्बेडकर जी का है। ताकि इसके अंदर भी यही सब मार्केट है, खिलौना वगैरह है और कुछ लकड़ी का जो सामान मिलता है, कुछ खादी का सामान मिलता है, तो यही सब मार्केट है इसके अंदर। तो चलिए इससे भी बाहर निकला जाए। बच्चों के लिए देखिए झूला कितना लेते हैं पैसा, बच्चा का एक बच्चा कितना लगता है? एक बच्चा 30 रुपया। 30 रुपया यहाँ पे एक बच्चे का 30 लगता है। यहाँ पे देखिए आदमी न होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही इस झूले पे झूल रहे हैं, क्योंकि भाई झूला मेरे को चाहिए ही नहीं। भाई ये वाला 250 850 यहाँ पे हाथ से बना हुआ सब बैग है देखिए, और जैसा कि हैंडक्राफ्ट के अंदर इतना ज़्यादा गर्मी है इसलिए हम लोग को बाहर निकलना पड़ रहा है। देख सकते हैं पंखा, मतलब इसमें कूलर वगैरह नहीं था इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लोग बहुत ही ज़्यादा है। तीसरा दिन है और तीसरा दिन मेला के अंदर देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड भीड़ है देखिए। लोग जाएगा तो जाएगा किधर, देख सकते हैं कितना कसमा कस है। और यही नहीं आप लोग पीछे भी देख सकते हैं हमारे पीछे कितने सारे लोग हैं, देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, कैसे देखिए कसमा पूरा कसमा कस। और यहाँ पे जादूगर सिकंदर टिकट का प्राइस है 200 रुपया, बताइए कौन देखेगा 200 रुपया लगा के इसका टाइम पास कौन देखेगा। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा आज का जो कि वीडियो था, मतलब मैंने घूमा चारों तरफ मेला में, लेकिन मेला में सब जगह इतना बाजा वगैरह बज रहा था जिस वजह से रिकॉर्ड करने में कुछ बन ही नहीं रहा था, बोलते थे तो ज़्यादा आवाज़ इधर उधर का ही आता था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाउडली साउंड था मेला के अंदर। तो हम सोचे कि चलिए इस वीडियो को जो कि कल कंटिन्यू रखेंगे और आपको अच्छे तरीके से कल दिखाएंगे कुंड वगैरह को किस तरह से सजाया गया है, यहाँ का जो गर्म कुंड है ब्रह्म कुंड है वो सारा दिखाएंगे कल। तो दोस्तों आज है इस ब्लॉग का दूसरा दिन और हम लोग अभी मतलब सुबह के 9 बज रहे हैं और रात में इस मतलब पूरा इतना ज़्यादा शोरगुल हो रहा था मेला में, इतना ज़्यादा भीड़ था, मतलब
पूरा नॉइस आ रहा था, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, बहुत ज़्यादा इधर उधर बज रहा था। तो चलिए अभी दिन है और अभी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या व्यवस्था है इस मेले के अंदर। जैसा कि देखिए यहाँ से मेला को एक्सप्लोर करना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इंडिया थिएटर, जिसका प्राइस देख सकते हैं VIP जो है कि 1200 और उसके पीछे 600 और सबसे पीछे वाला का 200 रुपया। शोभा सम्राट थिएटर है, जिसकी लड़की एक वायरल हुई थी काजल, आप लोगों को पता होगा सोनपुर में, इसी थिएटर का जो कि ये फ़ोटो लगा हुआ है देख सकते हैं उसका। और ये है, और ये आगे है बॉम्बे सम्राट थिएटर है, देख सकते हैं इसका भी VVIP 1200, VIP 600 और SPL 200 रुपया, मतलब सबसे लास्ट वाला का 200 रुपया इसका, देख सकते हैं। और शराब पीकर अंदर आना दंडनीय अपराध है। और ये है अंदर का व्यू, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गिमनी सर्कस, जिसका एंट्री फीस है जो 200 रुपया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, हाई है भाई। इसके अंदर सर्कस होता है, बस सर्कस और कुछ भी नहीं है, 200 रुपया टिकट, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। यहाँ पे मौत के कुआँ है, मौत का कुआँ, जिसका प्राइस है 60 रुपया। मौत का कुआँ में अगर आपको देखना चाहते हैं बाइक वगैरह तो देख सकते हैं। और यहाँ पर है ये जो झूला है, मतलब वो डिजनी, वो क्या बोलते हैं, ब्रेक डांस की तरह है, तो उसका 80 रुपया है। और यहाँ पे जादूगर सिकंदर, इसके अंदर जादू वगैरह दिखाया जाता है, ये जो सिकंदर है जो फ़ोटो लगा हुआ है इसके द्वारा, देख सकते हैं। और इसका भी प्राइस जो है वो है 200 रुपया, तो काफ़ी ज़्यादा है इसका भी प्राइस मेरे हिसाब से। और बाकी इधर है झूला देख सकते हैं, जो कि ये जो घिरनी वाला झूला है इसका 100 रुपया, बताइए 100 रुपया इतना छोटा झूला का लगेगा, बताइए। और इसका भी 100 रुपया देख सकते हैं, 100 रुपया इसका भी है। और यहाँ पे रेंजर लगा हुआ है, रेंजर जो कि रात में मैंने आपको दिखाया था रेंजर झूला, जो कि इसका भी है 100 रुपया, इसका भी 100 रुपया ही है, जो कि आपको ऊपर से लेके नीचे तक करता है। और आगे देख सकते हैं इसी प्रकार का ये मेला जो लगा हुआ है, और भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। और यहाँ पर देख सकते हैं यातायात पुलिस नालंदा, जो कि नालंदा ज़िला में राजगीर पड़ता है। और यहाँ पे इंडिया लार्जेस्ट एक्वेरियम अंडर वाटर फिश टनल, जो कि एक मतलब बना हुआ है VFX के थ्रू बना दिया गया है, जिसका भी जो कि चार्ज है वो 150 रुपया है भाई, बहुत ज़्यादा 150 रुपया कौन देगा यार ये सब देखने का, बताइए। और ये झूला मेरे को बहुत अच्छा लगा, रात में आप लोगों ने देखा होगा इसका वीडियो, कितना खतरनाक झूला है दोस्तों। 150 रुपया इसका प्राइस है पर पर्सन 150, बताइए इतना महंगा है। और बाकी इस तरफ आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे झूला है, यहाँ पे देख सकते हैं गर्म कुंड के पास इतना ज़्यादा अभी भीड़ लगा हुआ है, जो लोग हैं ये सब नहाने वाले हैं। और भाई अभी से ही जिला प्रशासन, मतलब अभी से ही इतना ज़्यादा भीड़ है इस कुंड के पास, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो आप लोग देख सकते हैं ये मेन गेट कुंड के अंदर जाने वाला है, कि अभी हम लोग गाड़ी पे बैठे हुए हैं और इतना धूप मतलब फील हो रहा है, इतना ज़्यादा धूप है। और दोस्तों ये सब लोग देखिए धूप में खड़ा है कुंड में नहाने के लिए, बताइए ये होता है मन में श्रद्धा और विश्वास। और एक समय होता है कुंड में जब आते हैं तो कोई नहीं रहता है, और अभी देखिए इतना ज़्यादा भीड़ कि लोग धूप में बाहर में लाइन में लगे हुए हैं, बताइए इतना लंबा लाइन। उम्मीद करते हैं आपको राजगीर मलमास मेला 2023 पसंद आया होगा, और पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।